आज हम आए हैं गुरु का ताल जो गुरुद्वारा है सिकंदरा में उसमें, और उसको आपको दिखाएंगे और काफ़ी अच्छा बना हुआ है और इसका हिस्टोरिकल पार्ट है वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ सामने जो आप देख रहे हैं ये है एंट्री गेट, यहाँ से लोग अंदर आते हैं। उसके बाद यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था करके रखी है, यहाँ पर लोगों की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो यहाँ पर हमने भी अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। सामने ये गुरुद्वारा है और अब चलते हैं अंदर, तो चलिए गुरुद्वारे में फाइनल एंट्री लेते हैं। और आप देख सकते हैं कितना प्यारा बना हुआ है ये, तो अब भी आप गुरुद्वारे को देख सकती हैं और उधर की साइड भी है और वहाँ पे भी है, उसको भी दिखाएंगे साथ ही साथ। अभी इसमें एंट्री लेते हैं और हमारे पास रूमाल है जिसे सर पे बांधेंगे और उसके बाद एंट्री लेंगे। बाकी का ये एंट्री गेट है आप देख सकते हैं, सिर पर मैंने ये बांध लिया है और पीछे कितना अच्छा पार्क है आप देख सकते हैं। और अभी साइड सीन आप देखो कितना प्यारा है और हम जा रहे हैं अंदर, धूप ज़्यादा है तो पैर जल रहे हैं। यहाँ पे है एंट्री लेने के लिए सबसे पहले, और यहाँ पे पानी है लोगों के पैर ना जलें, तो पैर धोने के बाद हम यहाँ पे लंगर में खाना खाने आ गए हैं। और यहाँ पे हमें दाल चावल रोटी वगैरह मिली हैं, काफ़ी स्वादिष्ट हैं। और ये बाहर का नज़ारा है और यहाँ पे ही सभी लोग अपने अपने बर्तन साफ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं सभी लोग अपना काम कर रहे हैं। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है लेकिन हम अभी गुरुद्वारे से अंदर से खाना खा के निकले हैं, तो अभी और चीज़ें यहाँ पे दिखाते हैं। इधर उधर साइड में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने लायक, उन्हें भी दिखाते हैं। तो ये है गुरुद्वारा जो मैं बाहर से दिखा चुका हूँ आपको, और इधर साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर जूते चप्पल सामान रखने की निःशुल्क व्यवस्था इन लोगों ने की हुई है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं एक मूर्ति है, और इधर एटीएम वगैरह कुछ कपड़े वगैरह भी सेल हो रहे हैं उधर। तो यहाँ पे जूता घर के बगल में एक और पार्षद है, ये रुकने की व्यवस्था है, निवास जगह है। यहाँ पे ये रुकने के लिए रूम बना के रखे हैं, ऊपर भी हैं, और कोई बाहर से लोग आते हैं वो यहाँ पे रुक जाते हैं। चलिए अब थोड़ा सा गुरुद्वारे के बारे में जान लेते हैं। जो आगरा दिल्ली मार्ग है वहाँ पे एक सिकंदरा है, वहाँ पर ये गुरुद्वारा पड़ता है और इसका नाम है गुरुद्वारा दुख निवारण गुरु का ताल, नाम पूरा है इसका। और इसमें 24 घंटे लंगर चलता है। यहाँ सिखों के गुरु तेज बहादुर के चरण पड़े थे, यहीं से उन्हें औरंगजेब ने गिरफ्तार किया था। खास बात यह है कि गुरुद्वारा गुरु का ताल में भी भौरा साहिब हैं, यह एक गुफा है जहां 24 घंटे गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ चलता रहता है। इसके दर्शन मात्र से लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। ये पीछे आप गुरुद्वारा देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और पीछे का आप नज़ारा देखिए, और ऐसी हमेशा गड़बड़ चलती है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें खाना लोगों को देते हैं। कोई जैसे दूसरे धर्मों में होती है ना वो दान वाली प्रथा, दान लेना, ज़बरदस्ती टीका करना, वो चीज़ें 1% भी नहीं है, मतलब यहाँ पे वो सच्चाई दिखती है। और अंदर कितनी शांति थी यसी, अंदर कितनी शांति थी यसी का ध्यान पता ही नहीं कहाँ पे है। ब्लॉग करते हैं तो ब्लॉग वाले के साथ रहते हैं, बहुत दिन मैंने बताया, तो वैसे अंदर ब्लॉगिंग करना अलाउ नहीं है, लेकिन अंदर बहुत अच्छा था। और लंगर का खाना तो बड़ा ज़बरदस्त, लंगर मतलब खाना जो मिल रहा था वहाँ पर फ्री में, हाँ उसमें दाल थी, रोटी थी और चावल थे, और दाल इतनी अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। और यहाँ पे जैसे लोग परेशान होते हैं वो इधर ही आ जाते हैं, और इतने लोगों को खाना कोई भी पैसा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ की। और आप देख सकते हैं पीछे का नज़ारा, हम अंदर चलते हैं, अंदर जाके देखते हैं। एक और यहाँ पे ये गुरुद्वारे इसके बगल में है, और यहाँ पर भी बहुत सारी ये मूर्ति वगैरह हैं, उन्हें भी देखेंगे। काफ़ी अच्छा माहौल है इधर का। यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे रुकने की, खाने पीने की, बैठने की, ठंडे पानी की, हर चीज़ की व्यवस्था है, और ज़्यादातर चीज़ें फ्री हैं, मतलब पैसे नहीं देने। यहाँ खाना फ्री, जूते रखना फ्री, कोई दान रखने की चीज़ नहीं कि दान दो यहाँ पे, कोई टीका वगैरह करके पैसा नहीं ले रहे, और उल्टा खाना भी खिला रहे हैं वो भी फ्री, पेट भर के खाना खाओ बिल्कुल फ्री। अभी यहाँ से भी बाहर निकलते, वैसे यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है यूज करना। यहाँ पे हम आए हैं, ये आप देख सकते हैं, जब आप गुरुद्वार गुरु का ताल में सीढ़ियों से प्रवेश करती हैं तो उससे पहले ही आपके बाएं हाथ पर हैं भौरा साहिब जी। यही वह स्थान है जहाँ गुरु तेज बहादुर को 9 दिन तक बंदी बनाकर रखा गया था।
तो यहाँ का जो आप नज़ारा देख सकते हैं काफ़ी प्यारा नज़ारा है। यहाँ पे पेड़ों में चिड़ियों की डिजाइन बनाई हुई है, आप देख सकती हैं। और ये गुरुद्वारा है पीछे, तो दो गुरुद्वारे हैं ये। और यहाँ पे साफ़ सफाई कितनी ज़्यादा है, और रुकने की व्यवस्था ये सामने है, अच्छे अच्छे रूम हैं। उसे देखने के बाद हम जा रहे हैं ये जो मार्केट हैं उनके पास, और देखते हैं यहाँ पर जो गुरुद्वारे में मार्केट लगती हैं उनमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ATM, ATM के बाद ये छोटी मोटी दुकान है, फिर उसके बाद ये कपड़ों की दुकान है, मेडिकल की है, हाँ मेडिकल की भी दुकान है, और यहाँ थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान है, और बाकी का पार्किंग स्पेस है, बैंक भी है, ATM वगैरह सारी चीज़ें हैं। जो लोग भोरा साहेब जी में मत्था टेकने आते हैं वे अखंड ज्योति पर भी मत्था टेकते हैं। कहा जाता है कि यहाँ कोई शक्ति है जो लोगों की मनोकामना पूरी करती है। तो यहाँ से हमने एक ये कड़ा खरीद लिया है अपने लिए, और वैसे बहुत सारे मिल रहे थे यहाँ पे तरह तरह के, मेरे हाथ में वैसे ही इतनी सारी चीज़ें लगी हुई हैं, तो ये कड़ा और हो गया। तो फाइनली हम यहाँ पे अच्छे से घूम चुके हैं, और अब हम निकल रहे हैं किसी दूसरी जगह के लिए। तो यहाँ पे कैसा लगा यसी तेरे को? तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शांति बहुत है, और मेरे को मतलब अंदर से अच्छा लगा, मतलब अंदर से ये सारी चीज़ें, हाँ कि कोई मतलब पैसे की ज़रूरत नहीं, हाँ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं किसी चीज़ की, कोई धर्म वगैरह के बारे में कोई चीज़ें नहीं, माला के पैसे, हाँ सारी चीज़ों के पैसे लेते हैं। तो अभी हम आपको गुरु तेग बहादुर जी के बारे में बताएंगे। मुगल शासक औरंगजेब के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे, उसने कश्मीरी ब्राह्मणों से कहा कि मुसलमान बनो नहीं तो कत्ल कर दिए जाएंगे। कश्मीरी ब्राह्मणों ने समय मांगा, अरमनाथ गुफा जाकर भगवान शिव से प्रार्थना की, वहां हुई भविष्यवाणी के आधार पर कश्मीरी ब्राह्मण 25 मई 1675 को आनंदपुर साहिब गुरु तेग बहादुर की शरण में पहुंचे। गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी ब्राह्मणों के मुखिया कृपाराम दत्त से कहा कि काशी के ब्राह्मणों को साथ लेकर दिल्ली जाएं, औरंगजेब से कहें कि हिंदुओं के पीर सिखों के नौवे गुरु गुरु तेज बहादुर मुसलमान बन जाएंगे तो भारतवर्ष स्वयं ही मुस्लिम हो जाएगा। इस पर औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की गिरफ्तारी का आदेश दिया, उसने गुरु पर 500 मोहरों का इनाम भी घोषित कर दिया। आगरा के ककरेटा गांव का रहने वाले चारावाहा हसन अली खान ने सोचा कि अगर 500 मोहरें मिल जाएं तो उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। कहते हैं कि चारे वाले की इच्छा पूरी करने के लिए गुरु तेग बहादुर अक्टूबर 1675 में आगरा पहुंचे, बादशाही बाग में डेरा डाल दिया। यहीं पर हसन अली खां बकरी चरा रहा था, गुरु ने उससे पानी मांगा लेकिन वह बकरी का दूध ले आया। गुरु ने फिर पानी मांगा तो कहा कि पानी खारा है, गुरु ने कहा कि पानी लेकर आओ पानी हजारा है। हसन अली खां पानी लाया तो यह मीठा हो गया। यही कुआ गुरुद्वारा की पूर्व दिशा में है। गुरु का हसन अली खां की इच्छा पूरी करनी थी, उन्होंने हसन अली खां को अपनी हीरे की अंगूठी और दुसाला देकर कहा कि कुछ खाने को ले आओ। कीमती सामान देखकर दुकानदार को शक हुआ कि चोरी करके लाया है, उसने कोतवाल को सूचना दे दी। इसके बाद पता चला कि ये तो हिंदुओं के पीर हैं। औरंगजेब ने इन पर 500 मोहरों का इनाम घोषित किया है। गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार कर लिया गया, 9 दिन तक भोरा साहेब जी में बंदी बनाकर रखा, फिर दिल्ली ले जाया गया। गुरु ने मुसलमान बनना स्वीकार नहीं किया। जहां आज गुरुद्वारा शीश गंज है वहीं पर गुरु ने बलिदान दे दिया, वे हिंद की चादर बन गए।
का कहने का समय आ चुका है, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और देखते हैं टाइम कितना हुआ है। अगर टाइम होगा तो कहीं और जाएंगे, नहीं तो सीधा घर के लिए निकलेंगे। तो यहाँ पे ये राधा स्वामी का मंदिर है और ऊपर इसमें खंभा देख सकते हैं, ये सोने का खंभा है। अभी ये मंदिर बंद है तो अंदर नहीं जा पा रहे, फिर कभी आएंगे तो पूरा ब्लॉग यहाँ का भी दिखाएंगे। तो अभी आप इतना ही देख लीजिए।